हे गाइस, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। सो गाइस, मेरा नाम है विनय, आप देख रहे हैं हंसटेक यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम कंपैरिजन करेंगे शोमी के मी ए टू का और शोमी के ही रेडमी नोट 5 प्रो का और होनर के होनर प्ले का। सो गाइस, आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तीनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले के साइज के बारे में। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं होनर प्ले के बारे में। सो गाइस, जो होनर प्ले है उसमें आपको कुछ ज़्यादा ही बड़ी स्क्रीन देखने के लिए मिलती है। उसमें आपको 6.3 इंचज की फुल एच डी प्लस की डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जिसका पिक्सल साइज है 1080x2340 पिक्सल्स और ये 90:9 एस्पेक्ट रेशो के साथ आती है, क्योंकि इसमें आपको नोच देखने के लिए मिलती है। सो गाइस, उसके बारे में बात करते हैं शोमी के मी ए टू की। सो गाइस, शोमी के मी ए टू में जो आपको डिस्प्ले साइज मिलता है वो 5.99 इंचेस का मिलता है और इसका जो रेजोल्यूशन है वो 1080x2160 पिक्सल्स है और ये आपको 80:9 एस्पेक्ट रेशो के साथ आती है। सो गाइस, इसके बारे में बात करते हैं शोमी के रेडमी नोट 5 प्रो का, जिसको लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गया है। सो गाइस, इसकी जो डिस्प्ले का साइज है वो 5.99 इंचेस है और इसमें जो आपको रेजोल्यूशन मिलता है इसके डिस्प्ले का वो 1080x2160 पिक्सल्स है और ये भी 18:9 एस्पेक्ट रेशो के साथ आती है। सो गाइस, इसके बारे में बात करते हैं तीनों ही स्मार्टफोन के हार्डवेयर के बारे में। होनर प्ले है उसमें आपको इनका हाई सिलिकॉन किरिन का 970 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर है। सो गाइस, ये जो इसका कंप्लीट करता है वो स्नैपड्रैगन 835 को कंप्लीट कर सकता है ये प्रोसेसर। इसमें आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है। जो ये प्रोसेसर है वो हवावे अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन में यूज़ करता है, तो आपको परफॉर्मेंस के मामले में अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। सो गाइस, उसके बारे में बात करते हैं शोमी के मी ए टू के प्रोसेसर के बारे में। सो गाइस, जो शोमी का मी ए टू है इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 660 देखने के लिए मिलेगा, जिसकी क्लॉक स्पीड होगी 1.8 गीगाहर्ट्ज़ और ये ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर होगा। सो गाइस, उसके बारे में बात करते हैं शोमी के रेडमी नोट 5 प्रो की। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 636 देखने के लिए मिलता है और ये भी 1.8 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड के साथ आता है और ये भी ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर है, बट आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 660 में देखने के लिए मिलेगी, जो आपको मी ए टू में देखने के लिए मिलती है। सो गाइस, अब बात करते हैं कैमरा की। सो गाइस, जो होनर का प्ले है उसमें आपको 16+2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको जो 16 मेगापिक्सल का उसमें आपको एपर्चर साइज f2.2 का देखने के लिए मिलता है और जो 2 मेगापिक्सल का उसमें आपको एपर्चर साइज f2.4 का देखने के लिए मिलता है और जो 2 मेगापिक्सल वाला है वो डेप्थ सेंसर का काम करता है। सो गाइस, इसके बाद बात करें फ्रंट कैमरा की। सो गाइस, जिसमें जो आपको फ्रंट कैमरा मिलता है वो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, जिसमें आपको एपर्चर साइज f2.0 का देखने के लिए मिलता है और इसमें जो आपको माइक्रोन पिक्सल साइज देखने के लिए मिलते हैं वो 2.0 का देखने के लिए मिलता है। तो अब बात करते हैं शोमी के मी ए टू के कैमरा के बारे में। जो शोमी का मी ए टू है उसमें आपको डुगरियर कैमरा देखने के लिए मिलता है पीछे वाली साइड। इसको एक 20 मेगापिक्सल का एक 12 मेगापिक्सल का डुगरियर कैमरा देखने के लिए मिलता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। सो जो 20 मेगापिक्सल का उसमें आपको सोनी का IMX376 वाला सेंसर दिया गया है, जिसमें आपको सुपर पिक्सल का ऑप्शन दिया गया है और इसमें आपको 2.0 अल्ट्रा माइक्रोन पिक्सल साइज दिया गया है और इसका जो अपर्चर साइज है वो f2.2 का है। और इसके बाद जिसमें आपको सेकंड कैमरा मिलता है वो 12 मेगापिक्सल का मिलता है, जिसमें आपको सोनी का IMX486 वाला सेंसर दिया गया है और इसमें आपको जो पिक्सल साइज मिलता है वो 1.25 अल्ट्रा माइक्रोन पिक्सल साइज दिया गया है और इसमें आपको जो अपर्चर साइज मिलता है वो f1.75 का देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको जो कैमरा मिलता है वो काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है कंपेयर टू होनर प्ले के। इसके बारे में बात करें इसके फ्रंट कैमरा की। जिसमें आपको फ्रंट कैमरा मिलता है वो 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको कई मोड देखने के लिए मिलते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो गए। सो इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन भी दिया गया है फ्रंट कैमरे में और इसके आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ब्यूटीफाई का ऑप्शन भी दिया गया है। सो इसको आपको सेल्फी टाइमर का ऑप्शन भी दिया गया है, फेस रिकॉग्निशन और ग्रुप सेल्फी का ऑप्शन भी दिया गया है इसके फ्रंट कैमरा में। इसके हम बात करते हैं शोमी का रेडमी नोट 5 प्रो के कैमरा के बारे में। जो शोमी का रेडमी नोट 5 प्रो है उसमें आपको डुअल रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है, एक 12 मेगापिक्सल का एक 5 मेगापिक्सल का। सो जो 12 मेगापिक्सल का उसमें आपको एपर्चर साइज f2.2 का देखने के लिए मिलता है और जो 5 मेगापिक्सल का इसमें आपको अपर्चर साइज f2.0 का देखने के लिए मिलता है और इसमें आपको सिंगल टोन एलईडी फ्लैश भी दी गई है। और इसके बारे में बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो इसमें आपको फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का मिलता है, जिसमें आपको अपर्चर साइज f2.2 का दिया गया है और सेल्फी टाइमर का ऑप्शन भी दिया गया है और इसके फ्रंट कैमरा से आप पोर्ट्रेट मोड शॉट्स भी ले सकते हो। तो जो आपको फ्रंट फ्लैश मिलती है वो मी ए टू और रेडमी नोट 5 प्रो में देखने के लिए मिलती है, जबकि होनर प्ले में आपको फ्रंट फ्लैश नहीं दी गई है। तो इसके हम बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन के रैम स्टोरेज वेरियंट के बारे में। सो जो होनर का प्ले है उसमें आपको 4 GB की रैम 64 GB की स्टोरेज देखने के लिए मिलती है। सो गाइस, इसमें आपको एक और वेरिएंट देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको 6 GB की रैम 128 GB की स्टोरेज देखने के लिए मिलती है। सो गाइस, उसके बाद जो शोमी का मी ए टू है उसमें आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट के साथ ही इंडिया में लॉन्च किया गया है और जो सेकंड वेरिएंट होगा वो जल्द ही इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें आपको 6 GB की रैम 128 GB की स्टोरेज देखने के लिए मिलेगी। जो अब लॉन्च किया गया है उसमें आपको 4 GB की रैम 64 GB की स्टोरेज देखने के लिए मिलती है। वही रेडमी नोट 5 प्रो में आपको 4 GB की रैम 64 GB की स्टोरेज देखने के लिए मिलती है। उसके बाद इसका एक और वेरिएंट है जिसमें आपको 6 GB की रैम 64 GB की स्टोरेज देखने के लिए मिलती है। तो गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो जो होनर प्ले है उसमें आपको एंड्रॉइड 8.1 ओरियो देखने के लिए मिलता है, जिनकी कस्टम रोम EMUI 8.2 पर बेस्ड है। अगर उसके हम बात करते हैं शोमी के मी ए टू की, तो शोमी के मी ए टू में एंड्रॉइड 8.1 ओरियो देखने के लिए मिलता है, जो स्टॉक एंड्रॉइड बेस्ड है और इसमें आपको एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के साथ ये स्मार्टफोन आता है।
आपको ग्रांटेड अपडेट्स मिलेंगे गूगल की तरफ से 2 ईयर्स तक। सो गाइस हम बात करते हैं शोमी के रेडमी नोट 5 प्रो की। तो सो गाइस शोमी के रेडमी नोट 5 प्रो नोगट के साथ लॉन्च किया गया था, बट अब इसमें आपको एंड्रॉइड 8.1 ओरियो देखने के लिए मिलता है, जिनकी कस्टम रोम UI 9 पर बेस्ड है। सो गाइस कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करूँ तो तीनों स्मार्टफोन में आपको वाईफाई का ऑप्शन दिया गया है, GPS का ऑप्शन दिया गया है, ब्लूटूथ 5 का ऑप्शन दिया गया है, और आपको दोनों ही स्मार्टफोन में डुअल सिम का ऑप्शन दिया गया है। सो गाइस अब बात आती है तीनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। कम ये उसमें आपको 3010 मिलियम पीयर की बैटरी देखने के लिए मिलती है, जबकि रेडमी नोट 5 प्रो में आपको 4000 मिलियम पीयर की बैटरी देखने के लिए मिलती है, और जो होनर प्ले है उसमें आपको 3750 मिलियम पीयर की बैटरी देखने के लिए मिलती है। सो गाइस बैटरी के मामले में रेडमी नोट 5 प्रो आपको अच्छा देखने के लिए मिलता है, आपको अच्छी बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलेगा रेडमी नोट 5 प्रो में। सो गाइस अब बात आती है कि कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए। मेरी तरफ से आपको होनर का प्ले लेना चाहिए, जिसमें आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ साथ आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने के लिए मिलेगी और आपको बैटरी भी अच्छी देखने के लिए मिलती है। जो शोमी का मी 2 है उसमें आपको काफ़ी कमियां देखने के लिए मिलती है। सो जो शोमी का मी 2 जब लॉन्च हुआ था तो उसमें आपको क्विक चार्जिंग 4.0 का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, बट आपको अलग से चार्जर लेना पड़ेगा और ये आपको 2000 तक पड़ जाएगा और आपको काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा ये स्मार्टफोन। तो अगर आपका बजट कम है 15000 तक है तो आप रेडमी नोट 5 प्रो खरीद सकते हो। रेडमी नोट 5 प्रो का आपको सब कुछ अच्छा मिल जाता है, ऐसा कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है जिसमें आपको कमी देखने के लिए मिलती है, सब कुछ अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो अगर कैमरे की तौर पर खरीदना चाहते हो स्मार्टफोन को तो आप शोमी के मी 2 को खरीद सकते हो। सो गाइस अगर आपका बजट हो 15000 रुपये तो आप रेडमी नोट 5 प्रो के साथ जा सकते हो, अगर आपका बजट है 20000 रुपये तो आप होनर प्ले के साथ जा सकते हो। काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलती है होनर प्ले में, तो मेरी तरफ से पूरा रेकमेंड है 20000 में होनर प्ले और 15000 रुपये में रेडमी नोट 5 प्रो। बचा मी 2 तो मी 2 मैं रेकमेंड नहीं करता, काफ़ी कमियाँ देखने के लिए मिलती है मी 2 में, उसमें आपको 3.5 mm ऑडियो जैक भी देखने के लिए नहीं मिलता। सो गाइस बस मैंने ये बताना था। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ लगे बेल को जोर से दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। थैंक यू।